दारादा पर हर किसी का फेवरेट चॉकलेट चैलेंज इंतजार कर रहा है। कोई भाग्यशाली होगा और उसके पास चॉकलेट ट्रीट होगा, और किसी को नियमित खाने से ही संतोष करना पड़ेगा। आइए पता करते हैं कि कौन भाग्यशाली होगा। वाह, हम कितने किस्मत वाले हैं, सोने के टुकड़े मिले हैं। वाह, अब हम अमीर हो गए हैं। हाँ वो तो है। रुको, मेरे वाले से अच्छी खुशबू आ रही है, शायद ये सोना नहीं है। क्या ये चॉकलेट है? अगर हाँ तो मुझे भी चखने दो। नहीं, मैं यह खाऊंगी, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है। बिल्कुल, मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। अरे नहीं, यह असली सोना है। लगता है अपने टूटे हुए दांत को ठीक करवाने के लिए मैं इसको खर्च करूंगी। बेकार की बातें मत करो, दांतों का इलाज कैसे किया जाता है मुझे पता है। अपना मुंह खोलो। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? मैंने अपना ड्रिल तैयार कर लिया है और अब मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हारा यह गोल्ड बार काम आ जाएगा। What? कैसा लग रहा है? सोने के बने हुए दांत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बहुत अच्छे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तीन की गिनती पर ढक्कन खोलते हैं पर आंखें बंद करके। गुद्दू मेरे चाल में फंस गई। मिर्च, चलो इसे डायना के लिए रख देती हूँ। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलना चाहिए। एक दो तीन, खोलती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट मिर्च मिली है। वाह, और मुझे असली मिर्च मिली है। मैं जलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खाना होगा क्योंकि तुम किस्मत वाली नहीं हो और मैं किस्मत वाली निकली। हमें स्वादिष्ट मिर्च को जल्दी खा लेनी चाहिए। ये चॉकलेट देखने में शानदार लग रहा है। मेरे पास चॉकलेट और तुम्हारे पास मिर्च। वाह, मैं कितनी खुश हूँ। तुम थोड़ा वो चॉकलेट मुझे भी दे सकती हो खाने के लिए? किस लिए? तुम्हारे पास अपनी मिर्च है, उसे खाओ। ओके। शायद ये काफी तीखी है। अरे वाह, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और इसके अंदर चॉकलेट मेरा इंतजार कर रही है। अजीब है, अगर मेरा चॉकलेट है तो फिर। ओह नहीं, और क्या हुआ? मेरे मिर्च चॉकलेट है और मुझे डर है कि तुम्हारी मिर्च असली है। क्या, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मदद करो, बचाओ। देखो मैं कितनी किस्मत वाली निकली, और मैं सोच रही थी कि मुझे तीखी मिर्च को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह मिर्च मेरे पास आ गई है, यह सही नहीं है। कृपया मेरी मदद करो वरना मैं जल जाऊंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ करो। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक ग्लास पानी है, क्या आप ठीक है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। मैं फिर से जल रही हूँ, इस बार और भी ज्यादा तेज। मैं अभी आती हूँ, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं खुद ही इस स्प्रिंकलर की मदद से आग बुझाने का प्रयास करती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से दूध की बाल्टी लेकर आ गई हूँ, ये लो। तुमने ऐसा क्यों किया? आग तो बहुत देर पहले ही बुझ चुकी थी और अब मैं पूरी तरह से दूध में ढकी हुई हूँ। पॉपिट, यह अजीब पुरस्कार है, पता नहीं कौन असली है और कौन चॉकलेट। मेरा यकीनन असली है, मैं इसके साथ खेल सकती हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो मेरा चॉकलेट है, हमें इसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। चोट लग गई, ये बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है। तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए था। तब हमारे ट्रीट किधर है? हमारे चॉकलेट किधर है? अजीब है, देखो क्या तुम्हारे पॉपिट पर भी यह प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह? हाँ यह रहा, इस बटन पर। चलो इसे दबाने की कोशिश करते हैं, तब शायद कुछ स्वादिष्ट दिख जाए। वाह, चॉकलेट कोला। मुझे असली कोला मिला है और यह भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, लग रहा है इस दौर में हम दोनों ही भाग्यशाली निकले। चॉकलेट से बना कोला मैंने पहले कभी नहीं चखा है। इसका स्वाद मैं जैसा सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बोतल के अंदर क्या है? हाँ यहाँ भी लिक्विड चॉकलेट है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तुम्हें अपने दांत देखने चाहिए थे। लेकिन ऐसे ही सारे लिक्विड चॉकलेट को पीना बोरिंग है, इसमें कुछ अलग सा बनाना मजेदार होगा, जैसे कि चॉकलेट पॉपिट, इस तरह से। बढ़िया,
तुम नहीं बना पाओगी, यह संभव नहीं है। अच्छा ऐसा है, मुझे तो लगता है कि तुम बस जल रही हो। देखो यह तैयार हो गया, चॉकलेट पॉपिट तुम्हारी नजर के सामने है। ये बहुत स्वादिष्ट है, काश तुम इसे खा पाती। यह कोई अफसोस की बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वादिष्ट पॉपिट नहीं बना सकती? हाँ एकदम आसान। क्या तुम ऐसा सोचती हो कि कोला से पॉपिट नहीं बनाया जा सकता है? तो फिर तुम गलत हो, यह अब तक का सबसे अच्छा पॉपिट होगा। और वैसे भी कोला भी चॉकलेट की तरह जल्दी से जम सकता है। तैयार, अब मेरे पास भी स्वादिष्ट पॉपिट होगा। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। देखो एकदम आसान है, इसे बस मोल्ड से खींचकर बाहर निकालना है। अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत करो, बेहतर होगा मेरा पॉपिट देखो यह कैसा निकला है। वाह यह सच में स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मैं भी खा सकती हूँ? खाना है? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पसंद आएगा। तुम जब तक ये मेरा चिपचिपा पॉपिट चाट रही हो, तब तक मैं तुम्हारा चॉकलेट वाला पॉपिट खाती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, यह सच में स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आया। अच्छी बात है कि तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया मेरी दोस्त। मेरी मदद करो प्लीज। ओके, ठीक है, अब वास्तव में मदद करने का समय है। वैसे भी अब कोई पॉपिट नहीं बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोर? यह सिर्फ शरारत थी। हुर्रे, यह आईफोन है, बिल्कुल नया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं कब से इसके सपने देख रही हूँ? मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन यह अजीब रंग का है। मुझे नहीं पता कि भूरे रंग का भी आईफोन होता है। अरे वाह यह चॉकलेट है, हम दोनों किस्मत वाले निकले, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ मैं जल्दी से देखना चाहती हूँ कि ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद जादुई होगा। तो कैसा है, स्वादिष्ट? मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ यह सच है, अद्भुत। पर अफसोस कि तुम्हें यह नहीं मिला। बहुत स्वादिष्ट। वैसे तुम्हारा असली फोन कैसा काम कर रहा है? बुरा नहीं है, इसके साथ में मैं स्वादिष्ट ट्रीट्स खा सकती हूँ। देखो मैं टेबल पर स्वादिष्ट खाना ला सकती हूँ। वाह यह सच में ऐसा हो रहा है, इसने एक बार काम किया तो फिर से काम करेगा। क्या तुम मेरे लिए भी अच्छी ट्रीट्स ला सकती हो? इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं मेरे पास खुद ही ज्यादा नहीं है। कॉकरोच तो मैं नहीं खाऊंगी, इसे डायना के लिए रख देती हूँ। डायना ये लो तुम्हारे लिए ट्रीट। नहीं मुझे कॉकरोच नहीं चाहिए, मुझे इससे बचाओ, इसे दूर करो। ओह ये बहुत ही घिनौना है। आखिरकार वह भाग गया, अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं बचाओ, अरे लग रहा है मैं मर जाऊंगी, मुझे पकड़ो। खैर अब महत्वपूर्ण यह है कि वह कॉकरोच चला गया तो हम अपनी ट्रीट्स खा सकते हैं। तुम्हें यही देखते हैं, मैं शुरू करती हूँ। अरे नहीं बेहतर होगा ना ही देखना, चलो जल्दी खोलो। लेकिन यह तो एक कैक्टस है, मुझे एक कैक्टस नहीं खाना, ये कितना डरावना लग रहा है। ओह अरे देखो इसकी वजह से मेरा पूरा मुंह कांटों में ढक गया है और मैंने अब तक इसका एक बाइट तक नहीं लिया है। चलो डरो मत और खाओ। ओह, पहले मुझे इसके सारे कांटे हटाने होंगे, पर कैसे? ओह हाँ इन ट्वीजर्स की मदद से मैं आसानी से सब हटा सकती हूँ। वाह अच्छा आइडिया है, तुम लोगों को लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। चलो अब मैं ये खाती हूँ। छी ये कितना खराब है। मैरी क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, कितनी बदबू आ रही है। चलो अब हम भी अपने ढक्कन उठाते हैं। जरा देखो ये आइसक्रीम कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे तो यह अभी खाना है। रुक जाओ, तुम यह नहीं खा सकती। पर क्यों? यह आइसक्रीम गोल है और आज गोल खाना किसे मिला है? मुझे।
तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मेरे हैं। कितना अच्छा। अच्छा फिर तुम बस रुको, देखते हैं इस हेयर ड्रायर के सामने वो आइसक्रीम कितनी देर टिकती है। यह लो, गर्म हवा में वो पूरी पिघल जाएगी। मैं तो वो खा लेती पर शैतान मेरी मुझे ऐसा करने ही नहीं दे रही है। क्या क्या हुआ, सारी आइसक्रीम कैसे पिघल गई? अब उसका आकार देखो, त्रिकोण, वो मेरा है और इसमें बहुत आइसक्रीम भी है। अब खाने की बारी मेरी है। कितना स्वादिष्ट। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। ओ, मेरा हो गया। तुम क्या देख रही हो? चेल्सी, चलो, सिर्फ तुम ही बची हो। हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ। ये जरा देखो, इतना बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच, इसमें कितनी सारी चीजें हैं, गिनना तो नामुमकिन है। और इसका स्वाद तो कमाल का है, सच में लाजवाब। वो क्या गिर रहा है? ओ, लगता है केचप है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे वो सैंडविच पाना ही होगा, और मैं जानती हूँ कैसे। क्या चाहिए मेरी? मुझे कुछ भी नहीं। हाँ, काम कर गया। अब वो सैंडविच मेरा होगा। देखो, क्लैरिसा ने तुम्हारे खाने के साथ क्या किया है। ओ, तुमने हिम्मत कैसे की? ये सैंडविच तो मेरा है। देखो, अब यह त्रिकोण है, तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, समझी? तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है फिर, अब इसका मजा लो। देखते हैं अब सैंडविच तुम्हें कैसा लगता है। क्या कमाल का सैंडविच है। कुछ गड़बड़ है, मदद करो। मदद? अच्छा, यह पियो। इस बोतल में हॉट सॉस है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोस्तों, इस बार मैं पहले चलती हूँ। वाह, इतना अच्छा केक। और मुझे क्या मिला है? ओ, कोरियन नूडल्स। ठीक है, यह स्वादिष्ट होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ। देखो, मेरे पास कितना बड़ा पिज्जा है। मुंह में तो पानी आ गया। मैं पहले खाऊंगी। मैं खाना शुरू करती हूँ। रुको, तुम्हारे केक पर बेरीज है ना, और वो गोल है, तो वो मेरे हैं। मुझे दो। गोल? तो क्या तुम इधर हर एक चीज को देखती रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें बेरीज चाहिए, तो ये लो। तुम्हारे चेहरे पर क्रीम बढ़िया लग रहा है। जितना हंसना है हंस लो, पर बेरीज तो मेरे ही है। छोड़ो, मेरे पास ये स्वादिष्ट केक है, और उस पर स्वादिष्ट क्रीम भी है, और वैसे इसके अंदर बेरीज भी है, जो मैंने पूरा खा लिया। बहुत अच्छा था। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, और ये पिज्जा का टुकड़ा अभी एकदम सही रहेगा। वो टुकड़ा? अरे हाँ, वो तो त्रिकोण है, और सारे त्रिकोणी चीज मेरी है, तो मुझे वो पिज्जा जल्दी से दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? दो मुझे। अरे नहीं, ये मेरी है, तुम वो इधर दो, ये सही नहीं है। पिज्जा अभी भी मेरा है, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, पर ये सब मेरी की वजह से हुआ है। या क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा पिज्जा गिर गया। अब तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ। रुक जाओ प्लीज। बस, आशा है कि स्वाद तब भी अच्छा हो। हम सब अब नूडल्स में ढक गए हैं, कोई बचाओ। यह भी फिर मैरी की वजह से हुआ। What? उसे नहीं यह सब किया है। What?
अरे दोस्तों, ये नूडल्स ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कच्चे नूडल्स खा रही है, क्या वो ठीक है? तीन की गिनती पर, एक दो तीन। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे स्कीटल्स मिले हैं। मैं भी, मुझे हबा बबा मिला है और मुझे गाजर मिला है। ये अजीब है। हाँ, पर मैं पहले चलूंगी, पहले सारे रैपर हटाने होंगे। देखो हो गया, अब मैं सारे गम अपने मुंह में पकड़ लूंगी। पर इसे ऐसे एक एक कर खाना बोरिंग है, मैं इसे ऐसे फेंक कर पकड़ूंगी। वाह, तुम तो इसमें माहिर हो यार। धन्यवाद दोस्तों, अब बबल फुलाने का समय आ गया है। हंसो मत, पहली बार में किसी से नहीं होता है। हाँ, वो बबल तो बहुत अच्छा था। मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। उफ, तुम्हारी वजह से मेरा गम भी गिर गया। छी, अब ये बालों में ढका हुआ है, कितना गंदा। छोड़ो, मेरा हो गया। मेरी, अब तुम चलो। आखिरकार मुझे स्किटल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है कि मुझे ये मिला। मुझे ये कैंडी बहुत पसंद है, कितने स्वादिष्ट है। और चलो, क्यों ना मैं इसे ऐसे रखूं ताकि सब कोई देख पाए कि कितना रंगीन है। तुम यह क्या कर रही हो? तुम लोगों को मुझे देखकर जलन हो रही होगी कि मेरे पास इतने सारे अच्छे कैंडी हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। रुको, मत करो। अच्छो, ये गलती से हो गया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी स्किटल्स खा सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत मजेदार था। पर क्लैरिसा, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा गाजर है, वो खाओ। ठीक है, खाती हूँ। अरे यह गाजर तो स्वादिष्ट है। अब मुझे समझ आया कि खरगोश इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। मुझे कुछ हो रहा है। वो एक जहरीला गाजर था। मैं खतरनाक खरगोश हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ गाजर ही नहीं। खरगोश का हमला, चलो भागो। डरपोक, ये तो सिर्फ एक मास्क था। अजीब है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है ये मेरे ढक्कन के नीचे से आ रहा है। ओ वाह, ये तो ताजे बेल्जियन वॉफल है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक तरबूज है, और ये कितना बड़ा है। मुझे मिर्च मिली है, और ये भी बहुत बड़ी है। वाह, फिर तुम ही शुरू करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना, कितनी तीखी होगी। अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा, उतना काफी नहीं है, और खाओ। उफ। हाँ खाओ खाओ, शायद इतना काफी था। अरे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मेरा मुंह जल रहा है। कोई बचाओ, बस हमें मत जला देना। लगता है वो हमें नहीं जलाएगी। मैं खा सकती हूँ। मेरा वॉफल, ये सब क्लैरिसा की वजह से हुआ है। उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी। अपना तरबूज दो। क्या? नहीं, मेरा तरबूज। फियो, मैं बच गई। ये लो, अपना तरबूज खत्म कर लो। पर कुछ नहीं बचा है। ओ नहीं, यहाँ है। बहुत अच्छा, मैं ये खा सकती हूँ। उफ, सिर्फ मेरे पास ही कुछ नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसे ही कई सारी और मजेदार चुनौतियाँ आप दारादा पर हमेशा पा सकते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों।